नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दरबार और मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मार्च के महीने में तालाबंदी लगाई गई थी। इस तालाबंदी की वजह से देश में हो रहे तमाम विकास के कार्यों और औद्योगिक सेक्टरों पर रोक लग गई थी। ऐसे में देश में जब सभी प्रकार के उत्पादन सेक्टर बंद पड़ गए हों, तो हाल ही में देश की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद को लेकर आए आंकड़े हमारी अर्थव्यवस्था के लिए खराब ही होंगे, इसका पहले से ही अनुमान लगाया गया था। लेकिन यह आंकड़े जितना अनुमानित थे उससे भी ज्यादा चौंकाने वाले और खराब निकले हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि इस वर्ष 2020 में अप्रैल, मई और जून के महीने में देश के उत्पादन सेक्टर में जो उत्पाद हुआ वह पिछले वर्ष 2019 में इन तीनों महीनों में हुए उत्पादन के मुताबिक 23.9% तक नेगेटिव में है। यानी कि इस वर्ष 2020 की पहली तिमाही में ही देश की अर्थव्यवस्था भारी संकट में है। इसमें कोरोना वायरस और साथ ही पहले से गिरती हुई अर्थव्यवस्था का दोष साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। पिछले 30 सालों के आंकड़ों के मुताबिक यानी कि जब से देश में लाइसेंसिंग राज को हटाकर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति, जिसे हम आसान भाषा में LPG पॉलिसी भी कहते हैं, को लागू किया गया है, तब से लेकर आज तक का यह सबसे खराब प्रदर्शन रहा है हमारे देश की अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को लेकर। इस गिरती हुई अर्थव्यवस्था के पीछे सबसे ज्यादा प्रभावित देश में औद्योगिक सेक्टर, खनिज सेक्टर, व्यापार सेक्टर और अन्य सेवाओं से जुड़े सेक्टर हैं। अर्थव्यवस्था का यह हाल खासतौर पर सीमेंट का उत्पादन और स्टील की खपत में भारी गिरावट के कारण हुआ है। इसी के साथ ही सामानों की आवाजाही और लोगों की उड़ानों के बंद होने से एयरलाइन सेक्टर को भी भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है। देश में कोयला उत्पाद, व्यावसायिक वाहनों की बिक्री, भारतीय रेलवे, इन सभी सेक्टरों को भी भारी गिरावट की उम्मीद से भी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। इन सभी आंकड़ों और गिरावटों का देश के लोगों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा ही। ये तमाम सेक्टर देश के ऐसे सेक्टर हैं जो देश में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। इन सेक्टरों की गिरती उत्पादन दर देश में बेरोजगारी को चरम सीमा पर ले ही जाएगी। इससे देश में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट, गरीबी रेखा के नीचे जाते लोगों की संख्या में बढ़ोतरी, भूखमरी और इन सभी के साइड इफेक्ट, क्राइम जैसे कि लूटपाट, पैसों के लिए किया गया अपराध, इन सभी मामलों में बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। इससे साफ तौर पर देश के नागरिकों को कुछ महीनों के लिए अपनी कमर कसनी पड़ेगी और एक के बाद एक आर्थिक संकटों को भी झेलना पड़ सकता है। केंद्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक के बाद एक राहत पैकेजों का ऐलान कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी देश की अर्थव्यवस्था क्यों पटरी पर नहीं आ पा रही है, इस प्रश्न को लेकर इन आंकड़ों का विश्लेषण भी करना बहुत ही जरूरी है। किसी भी देश की GDP की ग्रोथ के लिए देश में सबसे ज्यादा जरूरी है मांग यानी कि डिमांड और खपत यानी कि कंजप्शन का होना। देश की अर्थव्यवस्था में प्राइवेट कंजप्शन जो कि हम जैसे व्यक्ति करते हैं वो 56.4% है। इसके बाद देश के प्राइवेट सेक्टर जिसमें प्राइवेट बिजनेस आदि शामिल हैं, उनके द्वारा 32% का कंजप्शन किया जाता है। इसके बाद आता है सरकारी सेक्टर जिसमें कुल कंजप्शन 11% है। इसके बाद 0.6% का कंजप्शन देश के आयात निर्यात सेक्टरों द्वारा किया जाता है। इन आंकड़ों से यह बात साफ है कि सरकार खुद के सेक्टरों पर खर्च करके देश की GDP का सिर्फ 11% ही कंजप्शन बढ़ा सकती है, जो कि काफी नहीं है इस समय के लिए। सरकार को देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए नए टेंडर, प्राइवेट सेक्टरों में निवेश, लोन की दरों में कमी और हम जैसे व्यक्तियों के लिए ऐसी सरकारी योजनाओं को लाना चाहिए जिससे हम सभी के खरीदने की क्षमता बढ़ सके। इसी के साथ देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारियों को देखने के लिए बने रहिए मीडिया दरबार के साथ। धन्यवाद।